सारा जो देख रहे हो ये साइक्लोन यास का असर है। वेलकम बैक टू द चैनल आजिब्स ब्लॉग। कैसे हो आप सारे लोग? ये सारा साइक्लोन यास की वजह से सारा टीन बिखर गया। ये सारा टीन लाया गया है शेड बनाने के लिए, जहां गाड़ी रखा जाएगा, दोनों गाड़ी हमारी वहां रहेंगी। ये सारा उठाते उठाते हाथ हो गया है गंदा, और चलो अब देसी तरीके से हाथ धोते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी कभी ना कभी ट्राई किया होगा इस तरह हाथ धोना बारिश के पानी में। बारिश हो रही है क्या? पानी कहाँ कहाँ तक भर गया बताओ तो, कहाँ दिखाओ, उधर है ना पानी, उस साइड साइड उस साइड बहुत ज़्यादा पानी हो गया ना, रोड पर पानी आ गया। तो ये जो है टीन भीग रहा है, ये टीन जो है ये उड़ रहा था, तो इसको अभी मैंने फिलहाल के लिए बांध दिया है और हवा चलने पर ये नहीं उड़ेगा। चलो नाश्ता का टाइम हो गया है, और नाश्ते में आज है बहुत ही स्पेशल चीज़ जो हम लोग छोटे में खाते थे, बहुत दिनों से ये मैंने ट्राई नहीं किया था। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा 100% श्योर हूँ मैं, फ्राइड राइस। वैसे हमारे यहाँ जो ब्रेकफास्ट में होता है चूड़ा मुढ़ी रोटी पराठे यही सब होता है, लेकिन फ्राइड राइस कभी कभी हो जाता है, तो आज ये फ्राइड राइस है। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद ये चारों तरफ पानी बिल्कुल भर गया है और सड़क के ऊपर भी आना शुरू हो गया है। बारिश की रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही है और हवा के साथ। बारिश के बाद बच्चों की बहुत मस्ती हो जाती है और खेतों का नज़ारा तो ऑसम हो जाता है। अगर आपको भी ये नज़ारा वाकई बहुत अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन। साइक्लोन यास की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। ये भी जो घर गिरा हुआ देख रहे हैं ये एक मेंटली डिस्टर्ब लेडी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से घर बनाया था और बेचारी का घर टूट गया। अब देखो दोबारा बारिश शुरू हो गई है और मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, और देखो बच्चे भी जितने भी घूम रहे हैं इधर उधर वो भी भागते हुए आ रहे हैं। ऐसे बरसात के मौसम में बेचारे सांपों का बुरा हाल हो जाता है, वो बाहर जब निकलते हैं तो यहाँ के शरारती बच्चे बताइए वो उनके साथ बदमाशियां शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल है, एक सांप को पकड़ के लोग ला रहे हैं। मौसम दोबारा से बिल्कुल अंधेरा सा कर दिया है, अब कुछ देर में हो सकता है दोबारा वैसी ही बारिश होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा। चलो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना सा ही, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।